तो दैट टाइम आई गॉट रिंग कैंडिडेट एज अ स्लाइम का सीजन 3 खत्म हो चुका है और जल्दी हमको इस वाले एनिमे का सीजन 4 भी देखने को मिलने वाला है। मैंने रिमुरू के डंजन और उसके अलग अलग फ्लोर के ऊपर कौन से बॉसेस होने वाले हैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। तो यहाँ पर सीजन 4 के स्टार्टिंग का एक टॉपिक तो प्रॉपर कवर हो चुका है। तो अभी चलते हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसके अंदर हम जानेंगे कि कैसे डियाब्लो ने 700 से ज्यादा डीमंस और टीम प्राइमोरियल्स को रिमुरू के अंडर काम करने के लिए इनवाइट करा था। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि नॉर्मल डीमन और प्राइमोडियल्स डीमंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखो प्राइमोडियल्स डीमंस जो है उनको सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन बोला जाता है जिनको कि गॉड ऑफ क्रिएशन वेल्डनावा ने क्रिएट करा था। वेल्डनावा ने ग्रेट स्पिरिट ऑफ डार्कनेस का यूज करके 7 प्राइमोडियल्स को बनाया था जिसके अंदर अपना ब्लैक प्राइमोडियल डियाब्लो और उसी के साथ ही व्हाइट पर्पल और येलो प्राइमोडियल जिनको कि आगे चलकर रिमूव नाम दे देता है और दूसरे साइड में है रेड ब्लू और ग्रीन प्राइमोडियल जिसके अंदर बोला जाता है कि रेड जो है वो सभी प्राइमोडियल्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट है। इन 7 प्राइमोडियल्स का बस एक ही काम था कि उन लोग को वेल्डनावा के क्रिएशंस के ऊपर ध्यान देना था। जब गॉड ऑफ क्रिएशन वेल्डनावा ने हेवन और अर्थ को क्रिएट करा था तभी से सारे के सारे प्राइमोडियल डीमंस जो है वो जिंदा है। लाइक यहाँ पर अगर हम उनकी एज गेस करना चाहे तो उनकी एज 3000 सालों से लेकर 30000 सालों के बीच में कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर अभी ये बात सोचने वाली है कि डियाब्लो इतने ज्यादा टाइम से जिंदा है वो इतना ज्यादा पावरफुल है। अगर वो यहाँ पर चाहता तो रेड प्राइमोडियल ग्राई क्रिम्सन की तरह ही खुद ही एक डीमन लॉर्ड बन सकता था। लाइक यहाँ पर उसको पावर के लिए रिमुरू के अंडर काम करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। तो देखो जब सबसे पहले डियाब्लो को सिल्वर विंग्स के एक मेंबर ने समन करा था वहाँ पर डियाब्लो का एक ही टास्क था कि उसको जिसने भी समन करा है उसके रिवेंज को पूरा करना है और उस वाले रिवेंज को पूरा करने के उसको एक डीमन को मारना होता है। डियाब्लो इजीली अपने टास्क को पूरा तो कर देता है लेकिन वहीं पर उसकी मुलाकात होती है सीजू से। डियाब्लो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते टाइम पे सीजू के साथ में उसकी थोड़ी सी फाइट होती है। उस वाले फाइट के अंदर वो सीजू के पास वाले एंटी मैजिक मास्क को देखता है और उसी मास्क की वजह से फाइट के अंदर उसको अपने एक हाथ को गंवाना पड़ता है और तभी से वो सीजू और उसके पास वाले मास्क के ऊपर अपनी नजर रखता है। और जब सीजू की डेथ हो जाती है और उसका जो मास्क है अपने रिमुरू के पास में आ जाता है तभी से डियाब्लो अपने रिमुरू के ऊपर अपनी नजर रखना शुरू कर देता है। वहाँ पर डियाब्लो वेट करता है कि कब जाके रिमुरू जो है वो किसी डीमन को समन करता है और जब फाइनली रिमुरू रेमेडिस के लिए एक डीमन को समन करता है तो वहाँ पर भाई डियाब्लो के जगह पे बेरेटा जो है वो समन हो जाती है। और जब बेरेटा समन हो जाती है तो भाई वहाँ पर भाई डियाब्लो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जहाँ पर डियाब्लो भाई बेरेटा को मारने के लिए भी जाता है लेकिन बेरेटा वहाँ पर उसको बोलती है कि तुम ये जो गोलम बॉडी देख रहे हो रिमुरू समा ने बनाई है अगर तुम इस वाले बॉडी को कोई भी डैमेज करते हो तो भाई रिमुरू समा तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो वहाँ पर भाई इसीलिए डियाब्लो जो है वो बेरेटा को छोड़ देता है क्योंकि वो वहाँ पर नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरीके से रिमुरू की नजर में गिर जाए। और आगे चलकर जब रिमुरू हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे डीमंस को समन करता है तो वहाँ पर अपना डियाब्लो जो है वो फाइनली समन हो पाता है। और उसके बाद का तो आपको पता ही है कि डियाब्लो जो है वो रिमुरू के लिए कितना ज्यादा लॉयल रहता है। रिमुरू के डंजन बनने के बाद में डियाब्लो जो है वो रिमुरू से एक रिक्वेस्ट करता है। वो रिमुरू से बोलता है कि मुझे भी अपने अंडर काम करने के लिए किसी की जरूरत है। वहां पर रिमुरू सोचता है कि डियाब्लो इतना ज्यादा पावरफुल है तो उसको भी भाई मेरे अंडर काम करने के लिए थोड़ी सी शर्म आती होगी इसलिए वहां पर रिमुरू सोचता है कि भाई उसको भी कभी लगता होगा कि भाई उसके अंडर भी कोई काम करने वाला होना चाहिए इसलिए वहां पर रिमुरू उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। डियाब्लो रिमुरू से बोलता है कि मैं जिन डीमंस को लाने वाला हूँ उनको पोजेस करने के लिए बॉडीज की जरूरत रहेगी इसलिए वो रिमुरू को बोलता है कि आप मेरे लिए 1000 बोन गोलम्स की बॉडी को बना के रेडी रखना। और यहाँ पर डियाब्लो ने पहली बार रिमुरू से कुछ मांगा था तो भाई रिमुरू फटाफट 1000 बोन गोलम्स की बॉडीज को बनाने का काम शुरू कर देता है। और उसी के बाद ये डियाब्लो जो है वो अंडरवर्ल्ड के अंदर चला जाता है और वही से वो अपने लेवल के 3 प्राइमोडियल्स को पकड़ के लाता है जिसके अंदर येलो प्राइमोडियल कैरेरा व्हाइट प्राइमोडियल टेस्टरोसा और पर्पल प्राइमोडियल अल्टीमा रहती है। और उसी के पीछे एक और खास डीमन रहता है जो कि रहता है वेनम। डियाब्लो को वेनम काफी ज्यादा पसंद आता है इसलिए वो वेनम प्राइमोडियल ना होने के बावजूद भी उसको भाई रिक्रूट कर लेता है। यहाँ पर जो 3 प्राइमोडियल्स रहती है व्हाइट येलो और पर्पल इन तीनों के तीनों प्राइमोडियल्स के अंडर 200-200 डीमन वर्क कर रहे होते हैं और जो वेनम रहता है उसके अंडर भी 100 अलग से डीमन वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डियाब्लो अंडरवर्ल्ड में जाके
टोटल 700 से भी ज्यादा डीमंस को भाई रिमुरु के आर्मी के अंदर ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके अंदर 3 प्राइमोर्डियल्स जो कि स्टार्टिंग में 8 डीमन रहते हैं, जिनको कि रिमुरु से नाम मिलने के बाद में वो तीनों के तीनों डीमन पियर के अंदर इवॉल्व हो जाती है। जहाँ पर डियाब्लो येलो प्राइमोर्डियल को कैरेरा, व्हाइट प्राइमोर्डियल को टेस्टोरोसा और लास्ट में पर्पल प्राइमोर्डियल को अल्टिमा नाम देता है। और इसी के साथ ही आगे आने वाले 3-4 दिन भाई रिमुरु जो है वो 700 से भी ज्यादा डीमंस को नाम देने में लग जाता है। आप लोग भी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 3 प्राइमोर्डियल्स जो है वो रिमुरु के अंडर काम करने के लिए कैसे मान गए। यहाँ पर देखा जाए तो इन तीनों के तीनों प्राइमोर्डियल्स का मेन मोटिव तो बस रिमुरु को देखने का था। उनको तो बस ये देखना था कि ब्लैक प्राइमोर्डियल डियाब्लो रिमुरु की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। वो तो बस ऐसे ही डियाब्लो के पीछे आ गए थे, उनको पता नहीं था कि भाई रिमुरु इतना ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा। उन लोग ने तो ये सोच के रखा था कि जैसे डियाब्लो ने बात करी है, अगर वो बंदा वैसा नहीं होता है तो वो तीनों मिलके उस वाले बंदे को मार देंगे। लेकिन जब वो लोग रिमुरु के सामने आ जाते हैं तो भाई रिमुरु राफेल की मदद से समझ जाता है कि वो तीनों के तीनों आर्च डीमन है। लेकिन यहाँ पर रिमुरु को पता नहीं होता है कि वो तीनों आर्च डीमन के साथ ही प्राइमोर्डियल्स भी है। यहाँ पर रिमुरु सभी को नाम देने के बाद में सभी डीमंस की कमांड डियाब्लो को दे देता है और आगे चलकर यही 3 प्राइमोर्डियल्स और 700 से ज्यादा डीमंस जो है वो आगे आने वाले वॉर के अंदर रिमुरु की काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको स्लाइम के कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और इसके आगे आने वाली वीडियोस भी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है, तो फटाफट से इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।